इस वीडियो में मैं आपके लिए बताने वाला हूँ कि आप पैन कार्ड को प्रिंट कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप जो पैन कार्ड है उसे आप जो है पीवीसी प्रिंट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं आप। अगर आप जो है ग्लॉसी पेपर पर प्रिंट करना चाहते हैं फोटो पेपर पर तो वो भी कर सकते हैं, या फिर आप जो है प्लेन पेपर पर प्रिंट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो आपके लिए मैं इस वीडियो में जो है सारी जानकारी डिटेल्स में देने वाला हूँ कि आप जो है पैन कार्ड को प्रिंट कैसे करेंगे, और ये फॉर्मेट मिलने वाला है आपके लिए। तो इस जो है फॉर्मेट से आप बहुत ही आसानी से अपना जो पैन कार्ड है उसे सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास ये फॉर्मेट है। अब यहाँ पर आपके लिए क्या करना है कि आपका जो पैन कार्ड है उसको जो है जैसे कि देख सकते हैं हमारे पास ये पैन कार्ड है। तो आपके लिए क्या करना है, गूगल में जाना है। गूगल में आने के बाद यहाँ पर आपके लिए सर्च करना है PDF2JPG आई लव PDF, और इसके बाद आपके लिए जो है सर्च कर देना है। अब यहाँ पर आपके लिए जो पहला लिंक ओपन होगा उस पर आप क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके लिए जो अपने PDF फाइल को सिलेक्ट करना है। जैसे कि हम हमारे जो पैन कार्ड है उसको हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम ओपन पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आपके लिए जो है अपनी PDF फाइल का पासवर्ड डालना है, तो मैं यहाँ पर जो अपनी PDF फाइल का पासवर्ड डालता हूँ। यहाँ पर आप जो है पासवर्ड देख भी सकते हैं अगर आपके लिए जो है कुछ गलत लगे तो। यहाँ पर आपके लिए जो है डाउनलोड JPG पर क्लिक करना है, या फिर आपकी जो PDF फाइल है जो JPG में कन्वर्ट हुई है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड हो जाएगी। ये देख सकते हैं हमारी जो JPG फाइल है वो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगी, आपके लिए कुछ भी नहीं करना है। यहाँ डाउनलोड पर आप क्लिक नहीं करेंगे तब भी आपकी जो फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारी JPG फाइल है ये डाउनलोड हो चुकी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो JPG फाइल है ये वो ये है, ये देख सकते हैं आप। अब हमें क्या करना है, फोटोशॉप को ओपन करना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटोशॉप ओपन है। अब मैं यहाँ से इस फॉर्मेट को जो है यहाँ से जो है कट कर देता हूँ। अब आपके लिए क्या करना है कि यहाँ पर आपके लिए जो है गूगल में जाना, और यहाँ गूगल में जाने के बाद यहाँ पर आपके लिए सर्च करना है VMVKTIPS.com, और इतना लिखने के बाद आपके लिए जो सर्च कर देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर जो है सर्च कर दिया है, ये देख सकते हैं। अब आप सीधे जो है इस वेबसाइट पर आ जाएंगे तो यहाँ पर आप जो है इस पोस्ट को भी पढ़ सकते हैं। इसमें मैंने जो है आपके लिए सारी जानकारी डिटेल्स में दी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप इस पोस्ट को पढ़ सकते हैं और यहाँ पर आपके लिए जो है, अब जैसे कि मान लीजिए अब हमें आपके लिए क्या चाहिए, फॉर्मेट चाहिए। तो फॉर्मेट के लिए आपके लिए जो है इसी वेब जो है पोस्ट में आपके लिए जो है नीचे लिंक मिलेगा पैन कार्ड का फॉर्मेट डाउनलोड करने के लिए। यहाँ क्लिक करें तो आप जो है यहाँ क्लिक करके फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपके लिए क्या करना है, फोटोशॉप में उस फॉर्मेट को ओपन करना है। जैसे कि मान लीजिए ये जो फॉर्मेट है हमारे पास ये है, तो इस फॉर्मेट को मैं जो है सीधा फोटोशॉप में ओपन करता हूँ, ये देख सकते हैं। अब आपके लिए क्या करना है, अपनी जो JPG फाइल अपन ने बनाई थी उसे आपके लिए जो है यहाँ पर ओपन करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर अब जो है JPG फाइल को ओपन कर लिया है। अब आपके लिए क्या करना है, जैसे कि मैंने इसे जो है यहाँ पर रखा, अब यहाँ पर आपके लिए जो है इसे जूम कर लेना है अपने पैन कार्ड को। अब यहाँ पर आपके लिए सिलेक्ट टूल है, इस पर आपके लिए क्लिक करना है और यहाँ से आपके लिए जो है अपना जो पैन कार्ड का जो फ्रंट साइड है वो आपके लिए जो है सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपके लिए क्या करना है, Ctrl+C प्रेस करना है, और इसके बाद आपके लिए जो है इस फॉर्मेट में आ जाना है और यहाँ पर आपके लिए Ctrl+V प्रेस कर देना है। अब आपके लिए यहाँ पर ये मूव टूल है, ये सिलेक्ट करना है और यहाँ पर इसे जो है पकड़ के अब क्या करना है, आपके लिए Ctrl+T दबाना है अपने कीबोर्ड में और इसे आप जो है एडजस्ट कर लेना है आपके लिए इस फॉर्मेट में। इस तरह से आप जो है इसे एडजस्ट कर लें, बिल्कुल सही से जमा लें आप फॉर्मेट में। और अब हमें क्या करना है, जो हमारा दूसरा भाग जो बैक साइड है वो हमें सेलेक्ट करना है। जैसे कि हम अब जो है बैक साइड को सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर हमने इस वेबसाइट को सिलेक्ट किया, अब हम Ctrl+C प्रेस करते हैं और हम फॉर्मेट में आके Ctrl+V करते हैं। अब यहाँ पर हम मूव टूल लेंगे
और यहाँ पर इसे मूव करेंगे, और अब हम कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इसे हम जो है एडजस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो पैन कार्ड है वो बिल्कुल सही जम चुका है। तो अब आपके लिए क्या करना है कि कंट्रोल पी प्रेस करना है अपने कीबोर्ड में, और इसे आप जो है प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि आप जिस भी पेपर पर प्रिंट करना चाहें उस पेपर पर आप प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप इसका पीवीसी कार्ड बनाना चाहते हैं तो आपके लिए क्या है कि जो ड्रैगन सीट आती है वो आपके पास होना चाहिए। तो ड्रैगन सीट आपके लिए कौन सी रहना चाहिए, तो उसका आपके लिए जो है लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। ड्रैगन सीट में मैंने आपके लिए जो है मैंने अमेजोन से ऑर्डर की थी वो, उसकी मैंने आपके लिए जो है अनबॉक्सिंग दिखाई है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ड्रैगन सीट पर ही प्रिंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ड्रैगन सीट पर प्रिंट करने के लिए आपको क्या करना है कि जैसे कि यहाँ पर अब हम प्रिंट को, अगर आप ऐसा फोटो पेपर पर या फिर प्लेन पेपर पर प्रिंट करना चाहते हैं तो आप इस तरह से प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप ड्रैगन सीट अगर आपके पास है तो आपके लिए क्या करना है, जैसे कि हम देखें यहाँ पर हम इमेज में जाएंगे और यहाँ पर रोटेट कैनवास में जाएंगे और यहाँ पर हम फ्लिप कैनवास हॉरिजेंटल पर क्लिक कर देंगे। अब हमारा जो पैन कार्ड है वो पीवीसी कार्ड जो है हम ड्रैगन सीट पर प्रिंट करेंगे, तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा। जैसे कि हमने जो है इसे फ्लिप कैनवास हॉरिजेंटल में क्लिक कर दिया है। अब हम जो है कंट्रोल पी प्रेस करते हैं क्योंकि मैं जो है इसे पीवीसी बनाना चाहता हूँ। अब यहाँ पर स्केल टू फिट मीडिया प्रिंट पर क्लिक करेंगे हम। यहाँ से जो हम प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और यहाँ से हम फोटो पेपर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ ओके पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम ओके पर क्लिक करते हैं। अब हमारा जो प्रिंटर है उसने जो है पेज ले लिया है, तो अब हम इसे जो है प्रिंट होने देते हैं और इसके बाद हम आपके लिए जो है आगे की प्रोसेस दिखाते हैं। पैन कार्ड को मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं कट कर लिया है और ये सीट भी मैंने कट कर ली है। अब आपके लिए जो जो प्रिंट है हमारा एरिया उसे आपके लिए अंदर करना है और आपके लिए जो है इस सीट पर इसे बीच में इस सीट को लगाना है। सीट लगाने से पहले आपके लिए इस पर जो पन्नी चढ़ी मिलेगी वो पन्नी को आपको निकाल देना है। लेमिनेशन मशीन से निकालने के बाद आपके लिए जो है इसे पानी से धोना है, जैसे कि मैं यहाँ पर धो रहा हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो पीवीसी कार्ड है वो तैयार हो चुका है, ये देख सकते हैं आप। अब ये से आप जो है पीवीसी कटर से आप इसे जो है काट लें तो